तो इनका देवरिया मेडिकल कॉलेज में MBBS में इनका सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, इनका एडमिशन हुआ है। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनके संघर्षों के बारे में हम लोग जानते हैं और इनसे इंस्पायर होते हैं। चलिए बताइए भूपेंद्र जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पूरा। मेरा नाम भूपेंद्र पाल है, मेरा नाम भूपेंद्र पाल है, मैंने इस साल नीट में 609 नंबर अर्जित किए हैं। ये मेरा दूसरा प्रयास था, इससे पहले वाले प्रयास में मेरे 412 अंक थे। मैंने अपनी पूरी तैयारी जो है वो घर से ही की है। जब मैं घर पर पढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था और जो है कंपटीशन का फील नहीं हो रहा था। फिर मुझे जो है मेरे सिद्धि भैया ने जो है डी स्क्वायर लाइब्रेरी के बारे में बताया और मैंने अपने अंतिम 2 महीने परीक्षा से जो है डी स्क्वायर में जो है पढ़ाई की और उसी की वजह से जो है आज मेरी फिल्मा थी। तो आप ये मुझे बताइए कि मतलब कि आपने लाइब्रेरी में कैसी आयरमिन आपको सुविधाएं मिली जो घर पे नहीं मिल सकती थी और लाइब्रेरी में आके मिली, जिससे आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। वही जब मैं घर पर था तो जो है कंपटीशन का जो फील नहीं होता था, बहुत जगह पर महसूस होता था। और उसके बाद जब मैं लाइब्रेरी में आया तो लाइब्रेरी में जो है 8:30 बजे पहुँच जाता था, उसके बाद रात को 8:30 और 9 बजे जाता था। योगदान तो आप मुझे ये बताइए कि मतलब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं की जा सकती और लाइब्रेरी में आके पढ़ सकते हैं, आई मीन घर पे रह के क्यों नहीं पढ़ सकते बच्चे और लाइब्रेरी में आके क्यों, ऐसा क्या चीज़ लाइब्रेरी में रखा है जो लाइब्रेरी में पढ़ सकते बच्चे घर पे नहीं पढ़ सकते? देखिए बच्चे जो है घर से भी मतलब अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में आने के बाद जो है वो एक क्रमबद्ध तरीके से मतलब पढ़ सकते हैं और पढ़ पाते हैं अगर यहाँ पर। तो आप बताइए कि पिछले साल क्या हुआ था, क्या आपके साथ और इस साल आपका सिलेक्शन कैसे हुआ है, तो और बहुत हो जाइए बच्चों को। पिछली बार जो है वो मेरा प्रथम प्रयास था तो मैं काफ़ी जो है नर्वस था और मेरा सिलेबस मैंने कम्प्लीट था और जो है क्वेश्चन भी कम प्रैक्टिस किया था, इसकी वजह से जो है मेरे 412 ही नंबर मिल गए थे। और इस बार जो है उस गैप को मैंने फिल किया और तो आप मतलब फिजिक्स में कितना लेके आए थे, केमिस्ट्री में, बायो में? जी 609 में जो है फिजिक्स में मेरा 176 है आउट ऑफ 180 और केमिस्ट्री में 133 है आउट ऑफ 180 और बायोलॉजी में 300 है आउट ऑफ 360। तो मतलब फिजिक्स में आप बता रहे हैं 176 है आपका, तो आपने फिजिक्स में